तो फाइनली आज WWE ने अपना नेक्स्ट सऊदी का प्रीमियम लाइव इवेंट और उसकी डेट दोनों ही अनाउंस कर दिए है। और दी अमेरिका नाइटमेयर कोडी रोड्स और रोमन रेस दोनों 21 रॉ के एपिसोड पर फेस टू फेस आने वाले, उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। और इसके अलावा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज रोड टू रेसलमेनिया के बीच में कौन कौन से वीकली शोज और लाइव इवेंट्स पर आएंगे, इसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। तो सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट, सबसे पहला शो होने वाला है नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन, जिसके ऊपर रोमन रेंज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं और वो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के शो पर। देन उसके बाद 4 मार्च को WWE का एक लाइव इवेंट होने वाला है टोरंटो कैनेडा में, जहां पर रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा फेस करेंगे सैमी जेन एंड केविन ओवंस को। तो फाइनली WWE ने सैमी जेन और केविन ओवंस को एज अ टैग टीम कंसीडर कर ही दिया है, और रोमन रेंज भी रेसलमेनिया से पहले एक मैच रेसल करने वाले हैं लाइव इवेंट के ऊपर। एंड देन लास्ट एंड फाइनल 20 मार्च का रॉ का एपिसोड, जहां पर आने वाले आमने सामने दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज दोनों ही। अब तक तो हमें सिर्फ पॉल हेमन और कोडी रोड्स के बीच में ही अनबन देखने को मिली है, लेकिन अब फाइनली रोमन रेंज और कोडी रोड्स दोनों ही आमने सामने आने वाले हैं 20 मार्च को होने वाले रॉ के एपिसोड पर। देन अब बात कर लेते हैं एक 20 मैन बैटल रॉयल की, जो कि होने वाले मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट के ऊपर, जिसका विनर फेस करेगा गुंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये बैटल रॉयल होने वाली है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट के ऊपर, जो कि होने वाला है 12 मार्च को। और क्या आज के स्मैकडाउन के ऊपर WWE ने इस बैटल रॉयल का विनर अनाउंस कर दिया है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के स्मैकडाउन के ऊपर आपने देखा होगा कि ड्रू मैकइंटायर आके कन्फ्रंट करते हैं गुंथर को, जिससे हमें एक हिंट मिल जाता है कि शेमस के बाद अब उनके फ्रेंड ड्रू मैकइंटायर भी पीछे पड़ने वाले हैं गुंथर के, क्योंकि बाकी सारे सुपरस्टार जो कि स्मैकडाउन के ऊपर है उनको तो गुंथर ऑलरेडी हरा चुके हैं, अब ड्रू मैकइंटायर ही बाकी है। और जैसा कि रूमर्स आ रहे हैं कि रेसलमेनिया में गुंथर का मैच होने वाला है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस के अगेंस्ट में। और अब बढ़ते हैं हमारी आज की फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि WWE का नेक्स्ट सऊदी का प्रीमियम लाइव इवेंट। कल की न्यूज एंड अपडेट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इस साल WWE मई के महीने में 2 पेपर यूज करवाने वाली है। फर्स्ट होने वाला है रेसलमेनिया बैकलैश, जो कि होने वाला है मई के स्टार्टिंग में 5 या 6 मई को। सेकंड किंग ऑफ द रिंग, या फिर बोले तो क्वींस क्राउन टूर्नामेंट, जिसको करंटली WWE इस साल एज अ पेपर व्यू अनाउंस कर रही है। और जैसा कि इस समय रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि ये पेपर व्यू होने वाला है सऊदी अरेबिया में। जी हाँ, जैसे हमें पिछले साल क्लैश एट द कासल के बारे में पता नहीं चल गया था कि WWE इस साल UK के लिए एक पेपर व्यू करवाने वाली है, वैसे ही WWE इस साल सऊदी में भी एक नया प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने वाली है, जिसकी रिपोर्ट अभी से निकल के सामने आ चुकी है, जो कि होने वाला है किंग ऑफ द रिंग या फिर क्वींस क्राउन टूर्नामेंट। तो बस भाई लोग, यही कुछ था आज की हमारी इस न्यूज एंड अपडेट वीडियो में। अगर वीडियो जरा भी पसंद आ रही है और भाई का काम पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर दबा के जाना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी न्यूज एंड अपडेट वीडियोस रेगुलर आती रहती है हमारे चैनल के ऊपर। और शॉर्ट वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना एक बार।